वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन की। तो गाइस आप लोग देख सकते हो 2.3 स्टार रेटिंग्स है, 10K ही डाउनलोड्स हुआ है। गाइस नया एप्लीकेशन है, इसके बारे में ना गाइस आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक है, सेफ है या नहीं, आप लोगों को ना इस एप्लीकेशन पे लोन मिलेगा या नहीं, क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकता है, इस एप्लीकेशन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फ़िलहाल लोगों को आ रहे हैं, और आप लोगों को कैसे इस एप्लीकेशन से सेफली लोन लेना है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू या प्रॉब्लम इस एप्लीकेशन पे फ़िलहाल आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना है, तो पूरी चीज़ें बताएंगे गाइस। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। पहले ही एक चीज़ बता दो, ये जो ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है ना गाइस, बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है, आप लोगों से बहुत सारी परमिशंस लेता है। आपके मोबाइल पे जितने भी चीज़ें हैं सबका परमिशन ये एप्लीकेशन वाले लेंगे, तो बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन पर बहुत सारी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे फंस सकते हो। अभी गाइस देखो, यहाँ पे जो ये ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, इन लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे अपने बारे में लिख के रखा है कि भाई आप लोग आसानी से एक पे लेटर हो गया या तो इंस्टेंट पर्सनल लोन आप लोग ले सकते हो, अप टू 5 लाख तक आप लोगों को लिमिट मिल सकता है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को कोई ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप लोगों को सैलरीड बंदा ही होना पड़ेगा। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप लोगों के पास सैलरी नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आप लोगों को पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट करना है और पर्सनल लोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे गाइस इन लोगों ने ये भी बता कर रखा है कि भाई ये लोग NBFC के साथ रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे इन लोगों का जो इंटरेस्ट रेट है 18% से 36% के आसपास आता है। प्रोसेसिंग फीस भी ये लोग चार्ज करता है 2% से 5%। लेकिन गाइस यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बता के रखा है कि आसानी से आप लोग सिक्योर लोन ले सकते हो, लेकिन रियलिटी में चीज़ें इतना भी सही नहीं है गाइस। इस एप्लीकेशन पर मैक्सिमम लोगों को फ़िलहाल के टाइम पे तो लोन नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि भाई लोन तो अप्रूव हो गया है लेकिन अकाउंट पे पैसा नहीं आया है। ये एप्लीकेशन वाले आप लोगों से भाई ई मैंडेट भी साइन करवाता है, तो वो भी एक रिस्की चीज़ है, आप लोग देख लेना भाई यहाँ पे आप लोग ई मैंडेट साइन करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि ई मैंडेट साइन करने से आप लोग बैंक के साथ एक तरफ से एग्रीमेंट पे आ जाते हो, बाद में आप लोगों की EMI भी काट हो सकता है। आप लोगों को अगर लोन नहीं भी मिलता है ना, फिर भी आपकी EMI काट हो सकता है, ऐसा तो नहीं होता है लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सेफ रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बंदे ने 1-star रिव्यूज़ दिया है, जिससे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोगों को पैसा ही नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को लोन अप्रूव होने के बाद भी पैसा नहीं मिला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोगों को अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें मतलब आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के साथ तो इस एप्लीकेशन की जो भी लोन रिकवरी एजेंट्स है ना, उन लोगों ने भी कुछ उल्टा सीधा किया है। तो ओवरऑल रिस्की एप्लीकेशन है गाइस, आप लोगों को इतना गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि आप लोगों को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। ओवरऑल रिस्की एप्लीकेशन है, मेरे ख्याल से इतना भी काम का एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा भला लोन लेना है गाइस, इंडिया की जो भी top 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशन है ना, NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन, उनमें से अगर आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मैं आप लोगों के लिए कुछ लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। आप लोग आसानी से ऑनलाइन पर्सनल लोन ले पाओगे। अभी ये जो ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है गाइस, मेरे ख्याल से तो इतना अच्छा एप्लीकेशन नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो ज़ाइप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक है, इसके बारे में ना कॉमेंट पर जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।